जन्माष्टमी पर करें मोर पंख के अचूक उपाय, भर भर के आएगी खुशहाली। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है और मोर पंख के कुछ उपाय सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। वास्तु दोष से बचने के लिए 8 मोर पंख एक साथ नीचे से सफेद धागे से बांध लें और लड्डू गोपाल के पास रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो मोर पंख बच्चों की किताब के अंदर रख दे, इससे एकाग्रता बढ़ती है। धन संबंधी समस्या के लिए 5 मोर पंख ले और लड्डू गोपाल के साथ मोर पंख की भी पूजा करें। ऐसा 21 दिनों तक करने से आपकी धन संबंधी समस्या हल हो जाएगी। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए 1 मोर पंख बेडरूम में उत्तर या पूर्व दिशा में लगा दें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री कृष्णा।